नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सिक्योरिटी सिस्टम को अपने दुकान पर या अपने मकान पर यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने सिक्योरिटी सिस्टम के लिए आपको बहुत पहले वीडियो कैमरे के और सीसीटीवी कैमरे के बारे में भी बताया था। सीसीटीवी कैमरे के 2-3 मॉडल मैंने दिखाए थे, अब उसमें 1-2 मॉडल और भी आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, सीसीटीवी कैमरे में कुछ माइनस पॉइंट है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर आप सीसीटीवी कैमरे यूज करते हैं तो उसके लिए हमेशा लाइटिंग की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप दुकान या मकानों में लगा कर जाते हैं तो अक्सर आप अपनी दुकानों के सारी लाइटें बंद करके जाते हैं, जिसमें क्या होगा कि सीसीटीवी आपकी बहुत बेहतरीन काम नहीं कर पाती। साथ में सीसीटीवी में मोशन इंडिकेटर के लिए मोशन सेंसर भी लगे हुए होते हैं, लेकिन वो उतने परफेक्ट नहीं होते हैं। साथ में दिक्कत क्या है कि अगर मान के चलिए कि अगर आपने सीसीटीवी कैमरा का यूज किया है और खुदा ना करे, भगवान ना करे कि आपके शॉप पर चोरी हो जाती है, तो चोरी होने के बाद अगर आपके पास सिक्योरिटी सिस्टम से पता चलता है कि ये चोर है, तो उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया हो जाएगी और हो सकता है कि आपका सिर्फ फुटेज ही रह जाए और आपका काम न हो पाए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में लगभग कानून कितनी तेज़ी से काम करता है, तो उसके लिए मैं कानून को दोषी नहीं देता हूँ। खुद को अपनी सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत करें, और उसके बाद आप चाहें तो कुछ ऐसा सिस्टम लगाएं जिससे आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए। जैसे कि अगर मेन मार्केट में ही आपका शॉप है और उस शॉप पर अगर आप सिक्योरिटी सिस्टम लगाते हैं तो वो काम करता है, लेकिन अब अगले आप अगर आप उस रिकॉर्डिंग में देखते हैं तो पता चलता है कि ये हुआ, वो हुआ, ये था, वो था, उसके बाद आप कार्रवाई करते हैं तो फिर समय लग जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक हमारे मित्र हैं, उन्हें कुछ रिसर्च की और कुछ ऐसी चीज आई जिससे आपको काफी बेनिफिट देगा उस कैमरे अलावा, कि मैं कैमरे को कैमरा रखिए उसके अलावा कुछ और सिक्योरिटी सिले जिससे क्या कि आप काफी ज्यादा फायदा पाए। हम चलते हैं और उस समय हम देखे कि उन्होंने किए हैं, उसके ऊपर वो अपने सर्किट और अपने प्रोजेक्ट उनके प्रोजेक्ट चलते हैं। देखे आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, इसका बनाने का श्रेय हमारे ये मित्र हैं, इन्हीं को जाता है, और इन्होंने ये चीज़ बनाई हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक मिनी इन्वर्टर का कैबिनेट है, उसी में इन्होंने बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक मोबाइल का कनेक्शन किए हुए हैं, और ये आपका सेंसर है, और इसके बाद इन्होंने एक वायर अलग से लिया जो इसमें मेन जाएगी। तो दोस्तों, ये काम 3 स्तर से करता है इनका प्रोजेक्ट। पहला, ये आपकी जब अगर मोशन होगी यानी कि कोई हरकत होगी आपके शॉप पर, तो तुरंत आपके मोबाइल पर मैसेज और फोन जाएगा, कॉल जाएगी। एक सिंपली इसमें आप मोबाइल लगा सक ऐड किए हुए हैं ये, जिससे आपको तुरंत आपकी मोबाइल पर कॉल जाएगी कि आपके दुकान या शॉप पर कोई हलचल हो रही है। एक दूसरी, इन्होंने इससे इन्वर्टर की कनेक्शन की हुई है ताकि अगर जब आपके दुकान पर कोई मोशन हो तो आपके दुकान की सारी लाइटें जल जाएगी। तीसरी, इन्होंने इनमें बजर का उपयोग किया गया है कि काफ़ी हाई साउंड में है, उस बजर का आप उपयोग कर सकते हैं, उससे काफ़ी तेज से शोर होने लगेगा, साउंड देने लगेगी और बीप बजने लगेगी, जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी दुकान पर, आपके शॉप पर कोई हलचल हो रही है। तो इन्होंने ये 3 प्रोजेक्ट लगाए हैं। सबसे अच्छी इसमें है साउंड सिस्टम और इन्वर्टर सिस्टम से, क्योंकि आपको इसमें से इन्वर्टर को कनेक्ट किए हुए हैं और करने का उपाय भी बताए हैं। तो अब हम ज़्यादा देर करते हैं, इनके मुंह से खुद सुनते हैं कि ये प्रोजेक्ट किस तरह बनाए हुए हैं। और इनमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर USB पिन है, इसकी हम और थोड़ी सी देख लेते हैं कि ये देख सकते हैं यहाँ पर 2 LED का प्रयोग किया गया है, 1 स्विच का प्रयोग किया गया, 1 एडाप्टर लगा हुआ है। वो एडाप्टर आपको इस कैमरे के
सप्लाई देने के लिए है। और उसके बाद यहाँ पर हम बैक साइड में देखते हैं, यहाँ पर पीछे भी एक स्विच लगी है और यहाँ से एक यूएसबी सिस्टम ये लगाए हुए हैं। यहाँ पर स्विच है और भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने और क्या क्या किया है। अब देखिए इस कैबिनेट के अंदर में क्या है, पावर सप्लाई के लिए एक ट्रांसफार्मर का उपयोग किया है, 3 रिले का प्रयोग किया गया है और रेक्टिफायर और कंडेंसर इत्यादि का प्रयोग किए हुए हैं। तो इनकी ये सारी प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट किस तरह बनाए हैं हम इनके ही मुँह से सुनते हैं। तो चलिए अब हम इनके मुंह से इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए हम पहले इनके वीडियो को देखते हैं। ये मैंने कॉल सिक्योरिटी बनाया है इस रिसीवर से, यानी आपकी इन्वर्टर वेल मोबाइल तीनों सिस्टम ऑपरेट हो सकते हैं। ऐसी यानी ये मेन एलईडी शो करेगा, जैसे शो करने लगा ये ऑपरेटिंग करने पे शो करेगा। इसमें 12012 एक एम्पेयर ट्रांसफार्मर लगाया है, एक ये रेक्टिफायर लगाया हुआ है, 3 रिले ऑपरेटिंग के लिए लगाया हुआ है। फिर इसमें एक यूएसबी जैक सिस्टम किया है जिसमें वेल आप लगा सकते हैं, इन्वर्टर लगा सकते हैं और मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं, इससे सिस्टम पूरा ऑफ हो जाएगा। और इसमें इस एक जैक लगाया हूँ, न्यूट्रल लोड लाइन, फिर PIR के सेंसर के इसमें तार लगेंगे, यानी ब्राउन माइंस भूरा तार लगेगा, इसमें नीला ब्लू माइंस नीला इसमें लगेगा, रेड माइंस लाल इसमें तार लगेगा। ये आपका PI सेंसर है जो इसमें ब्राउन रेड ब्लू तार हैं जो इसमें कनेक्ट होंगे। ये आपका 6 मीटर की दूरी से व्यक्ति की परछाई को सेंस करता है, डिटेक्ट कर लेता है, और अगर इसकी एरिया में कोई 360 सेल्सियस डिग्री पे आता है तो डिटेक्ट कर लेता है और आपको इन्फॉर्मेशन इस ट्रांसफार्मर को एक्टिवेट कर देता है। एक ट्रांसफार्मर एक्टिवेट होने पर ये तीनों रिले ऑपरेट हो जाती हैं और आपका जो ये मोबाइल सेट है ये वाला इस जैक में मैं इसको लगा देता हूँ, इस वाले जैक में इसको लगा देता हूँ। और जो इसको चार्जिंग करने के लिए इस ए चार्जर यूज कर लेता हूँ और इसको इसमें फ़ोन में लगा देता हूँ। एक जब इस सेंस करेगा तुरंत आपको एक कॉलिंग आपके फ़ोन पे जो इसमें नंबर सेव करेंगे, थीव्स डायलिंग में सेव करेंगे, उसी पे आपकी कॉल इन्फॉर्मेशन आपको भेज देगा। इससे आप जान जाएंगे कि कौन सा आपके व्यक्ति दुकान के अंदर रात्रि में प्रवेश किया है और अपनी दुकान की सुरक्षा कर सकते हैं।